तो यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल ही वो यहाँ ऐसा है कि फुल चिल हो रहा है, मतलब फुल मजे भी आ रहे भाई। इंडियन फूड खाया, नेपाली फूड खाया, चाइनीज भी खाया, आज भाई इजरायली फूड खिला रहे हैं। सो एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं किसी एक नए लोकेशन के लिए। हॉस्टल रूम से निकला और लास्ट वीडियो ब्लॉग हमारा था वो यहाँ पर पोखरा के अंदर, एक तो सस्ते से सस्ता हॉस्टल जहाँ मैं लास्ट दो दिन रुका, और अभी जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज किया, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, मिड रेंज में 500 रुपये के अंदर, वो भी नेपाली। गोविंद भाई आज हमारे ब्लॉग के साथ ही रहेंगे। होटल रूम से निकलने के बाद होटल के जस्ट सामने से लेक व्यू का रास्ता जाता है और अभी बारिश रुकी नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में चलने का एक अलग ही मज़ा होता है। और हमारे लास्ट वीडियो व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा पूरा का पूरा व्लॉग बारिश में हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं लेक साइड की तरफ। तो यहाँ लेक साइड पर हम लोग खा रहे हैं मोमोज, तो हमारे गोविंद भाई ने खाना नहीं खाया तो इनको खाना खाना है कुछ ना कुछ तो, और फिर हम लोग घूमने जाएंगे। फिलहाल हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में कल तो हम कुछ नहीं खा पाए, लेकिन आज यहाँ पर वेज मोमोज खा रहे हैं और उसका जो प्राइस है वो 120। चीयर्स भाई। कोक का प्राइस कितना है? 60 रुपये। यहाँ पर कोक है 60 रुपये की। भाई आपने कितने की ली है? 180। हमारा वेज मोमोज आया 10 पीस, 120 नेपाली रुपीज। भाई खाओ और बताओ, एकदम सही वाला रिव्यू देना। जो आप इंडिया में खाते हो इससे बहुत अलग है, मतलब अच्छा है बुरा वो बताइए। अच्छा है, स्पाइसी है थोड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में मैंने क्या किया था, अभी उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो इधर है भाई लोग। लोग इंडिया से आए। हाँ भाई, हम लोग इंडिया से आए हैं। ब्रो बिग फैन, इंडिया से बिग फैन। मी टू ब्रो। ओके भाई लोग, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था मोमो। ओके बाय बाय। लोग अभी जादू बन के घूम रहे हैं क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही। तो यहाँ पर हम लोग लेक साइड में घूम रहे थे, एक चीज खास देखने को पता क्या मिली कि यहाँ पर टिकटॉक बैन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इस लेक साइड के ऊपर टिकटॉकर इतने मिलेंगे हद से ज़्यादा। तो जो चीज़ इंडिया में बैन हुई मुझे लगता है कि नेपाल में कहीं ना कहीं बैन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग टिकटॉक इतने दीवाने पूछो मत। पर हमें क्या करना है, हमारे तो टिकटॉक चलता ही नहीं है। जगह जगह पर ना ये फ़ोटोज़ के लिए पॉइंट्स बनाए पड़े हैं और कुछ के लिए आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं और कुछ बिल्कुल फ्री, ये वाला फ्री वाला है। तो ताल बेराई जाने का मतलब अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो 105 है आने और जाने का नेपाली, और अगर आप खुद के लिए पर्सनल कर रहे हो तो उसका रेट नीचे देख सकते हो, लेकिन अपने 105 वाले बंदे शेयरिंग में ही जाएंगे। तो यहाँ बारिश में करने के लिए कुछ है नहीं, तो सोचा कि दोबारा मैया के दर्शन हो जाए। तो आ गए हैं फिर से एक बार भाई लोगों के साथ मैया के दर्शन करने के लिए। मेरे लिए या अपने लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। फिलहाल हम भाई लोग घूम रहे हैं मंदिर परिसर में। ग्रीस, नाइस टू मीट यू, हेलो, नमस्ते नमस्ते। भाई उसके ऊपर पैर रखना, मैं रखे तो ये नहीं वाली लेगा। वेरी गुड, नाम नहीं है उधर ना। भाई ने हाथ दिया, लड़की तो कोई देती नहीं। सो फिलहाल हम बोटिंग करके अभी आए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिस्ट। हेलो हेलो हेलो,
यहाँ पर ये देखिए, ये सब लोग नेपाली आर्टिस्ट है और इनका सॉन्ग आने वाला है। अनारस राय। सॉन्ग का नाम क्या है? विनर्स एंथम। हिंदी आती है आपको? मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, फिर भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके न्यू सॉन्ग के लिए। कब लॉन्च होगा? एंड सितंबर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Yeah, I'm a YouTuber. What's your YouTube channel? Just for all the vlogs. I went into the deep depths of the sea just to get this money. So finally, हमें first नेपाली लड़की ने दिया भाई। बहुत खुशी हो रही है। किसी इंडियन ने नहीं दिया। So thank you very much. No worries. Nice to be you, all the vlogs. Full support करें और इंडिया में देखें भाई। हाँ। क्योंकि नेपाल वाले तो इनको प्यार देंगे, इंडिया वाले भी दीजिए। So भाई का टैटू देखिए, ऊपर महाकाली और नीचे महादेव। Bye, nice tattoo. Support to Lala Vlogs. Yeah. Support to Lala Vlogs. All Nepali bro, please support him. Thank you bro. Thank you bro. Okay, bye. Bye. और ये क्या सेल कर रहे हो? बेकरी आइटम। बेकरी कितना रुपए का? 40-50 का है। 40 या 50? तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड कुछ इस तरह से। और ये देखिए भैया, आपने दो सिक्योरिटी गार्ड साथ में लेके चलते हैं। ये दोनों आपके साथ है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आकर ना आप लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। करनी है फिशिंग? नहीं यार, पाप लगता है, पाप लगता है भैया को, पाप लगता है। नारियल कितने का? 250। नारियल। वाह भाई, ये होता है टैलेंट। मस्त है ना, शानदार यार। सो फिलहाल भाई को आयुर्वेदिक मसाज करवानी है। करना है मसाज? तो भाई सामने देखो रेस्टोरेंट, वो भी प्लेन वाला, प्लेन खड़ा कर रखा छत के ऊपर। चलो वापिस चलते हैं। तो भाई को नहीं जाना, हमें भी नहीं जाना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इतना खराब करे किसी चीज में। छत रूफटॉप एक्सपेंसिव है, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोला है। अभी हम लोग पहुंचे हैं नेपाल के डिज्नीलैंड में। और ये देखिए यहाँ पर वेलकम पोखरा डिज्नीलैंड। पहुंच गए पोखरा के डिज्नीलैंड में। तो आज का वीडियो व्लॉग हम नाइट लाइफ पे कवर करेंगे और देखेंगे पोखरा की नाइट लाइफ। यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे अपने, वो ऊपर चलेंगे उस पर चले। क्या बात है यार, पहली बार मेरे जैसा बंदा मिला है जो ना नहीं बोल रहा किसी काम के लिए। कुछ करने के लिए ना थोड़ा दिमाग में एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा होना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, तो हाँ हमें ये करना है। तो फिलहाल इसकी टिकट प्राइस हम कंफर्म करते हैं, टिकट काउंटर पे आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो प्राइस लिस्ट है इनकी, वो पूरी लिखी हुई है। और हमें जी व्हील और क्या करना है, जी व्हील का मतलब क्या होता है? जॉइंट व्हील। जॉइंट व्हील, तो जॉइंट व्हील की हमने टिकट ले ली है और टिकट पड़ी है हमें 150। तो अभी दो जने करें तो 300 रुपये लगे नेपाली। सो जॉइंट व्हील के लिए हम लोग जा रहे हैं और एक्साइटमेंट है, करना है। लेकिन ब्रो करना है, करना है। आर यू रेडी? फिर ठीक है भाई, चल गया चल गया चल गया, चक्कर ही घूम गए। तो फिलहाल हम लोग जॉइंट व्हीलर बैठ गए और ऊपर से प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई चिल्लाने की आवाज नहीं आई किसी में। भाई इतने ब्रेव, बहुत बहादुर लोग बैठे हैं इसमें। तो अभी हम लोग डिज्नीलैंड में और जॉइंट व्हील के ऊपर है, और यहाँ से जो व्यू है ना सच में बहुत ही प्यारा आता है यार, सच में मजेदार। ब्रो एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। अच्छा है यार, अच्छा है बहुत। एक और राउंड, दो राउंड और करवा ले भाई, तेज करो इसको यार, डर नहीं लग रहा हमारे भाई साहब को। खौफ होना चाहिए नहीं, तो अभी तक डर वाला अभी तक कुछ सीन ही नहीं हुआ, कोई चिल्ला ही नहीं रहा यार।
इतनी शांति, ऐसे लगता है जैसे किसी मैं टेंपल में बैठा हूँ और वहाँ पर एकदम साइलेंट रहना है। वाह भाई वाह भाई को डर लगा, डर लगा दे भाई। हाँ ये मस्त है, नहीं लगा? अच्छा यो ब्रो, मुझे अभी फोन का डर लग रहा है। मुझे किसी चीज का डर नहीं लग रहा, मैं कहाँ लग लगेगा। तो भाई अभी थोड़ा राउंड थोड़ा तेज हुआ है तो थोड़ा अभी हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है। सच में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर आ रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ से नीचे आता ना तो मान लो कि आपकी वॉइस है ना बिल्कुल ही चेंज हो जाती है यहाँ से ना। वो किसको लग रही भाई? डर नहीं लग रहा, मजा आ रहा है, उल्टा हो रहा है। हाँ बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया सबके। यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल ही वो 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 वो। तो ये होते हैं लाइफ के मजे। तो फाइनली हमारा एक और है ना क्या एडवेंचर, एडवेंचर तो वो हो गया आज हमारे भाई। कल कल वेट करो, कल वेट करो, इंतजार करो कल का कि कब व्लॉग आए और आप लोग ये व्लॉग देखो। यार ये स्लो क्यों हो गया भैया? ये स्लो नहीं होना चाहिए, ये राइड बिल्कुल स्लो मत करना, चलने दो। और जितनी राइड में यार एंजॉय कर रहे हैं ना भाई, मजा आ रहा है। सुनाई मेरी सुनाई जी मुझे चिल्लाएं। इसको तेज चलाओ, तेज चलाओ। अरे 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 बिल्कुल और बिल्कुल वर्थ इट है। 150 नेपाली में जायंट व्हील के मजे और वो भी बड़े मस्त तरीके से अच्छे अच्छे व्यू के साथ। बिल्कुल सही बोला भाई। 360 कह को वोमिट हो गया, कतल हो गया। नहीं यार बस करते हैं ब्रो, तुम कर लो। मेरे साथ में होना चाहिए ना कोई। कैसा फील किया ब्रो? नाइस नाइस मैन। 360 करना है? नहीं नो व्हाई? अरे मुझे करना, कोई तो साथ आओ यार। 360 के लिए मेरे साथ वाले जितने थे सबने भाई ये कह रहे हैं कतल हो जाएगा लेकिन करेंगे नहीं। तो 360 के लिए देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग हुए तो ही वो करवाते हैं। तो वो पहले पूछते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या है, इसका नाम क्या है, कौन सा 360 रेंजर भैया? इस ये वाला, ये सामने वाला कितने रुपए? 200। दो आदमी होगा भी चलेगा, एक आदमी नहीं चलेगा, दो आदमी से 360 के लिए बहुत कम लोग हैं, खाली पड़ा है। जब अगर दो आदमी भी हुए तो ये करवाएंगे। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, या फिर भाई इनकी हालत देखो भैया, बहुत गर्मी है यार, इतना गर्मी है। या बहाना ले लिया गर्मी का बाबू भैया, ऐसा नहीं करते। गर्मी यहाँ पर इतनी है नहीं भाई, को लग रही है पता क्यों? देख कमेंट करके बताना कि भाई को गर्मी क्यों लग रही है। तो यहाँ पर ये बोट वाला भी हो रहा है, इसी में लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या है यार लोगों के। भाई 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 वो भाई ये शानदार है यार, यहाँ ऐसा है कि फुल चिल हो रहा है, मतलब फुल मजे आ रहे हैं भाई। पब्लिक कम है क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रही थी आज भी और कल भी, लेकिन ऐसा है कि अगर पब्लिक हो ना तो ये डिज्नीलैंड कुछ अलग ही बनता है भाई, मजे अलग है, हाई लेवल वाले। तो कल हम लोग यहाँ आए थे और आज फिर से हम लोग पहुँच गए यहाँ, लोगों की स्केटिंग करते हुए देखते हुए गिरते हुए सब कुछ हो रहा है भाई। ये देखिए हमारे बाबू भैया नीचे गिर गए। एंट्री फीस कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये। और सिखाते वगैरह भी हो? सिखाते हो। तो उसका टाइम वगैरह क्या? सिखा रहा है वन आवर। एक घंटे में सीख जाता? समय तो लगेगा ना। क्या बात है, तो एक घंटे में नहीं सीख पाओगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो वैसे गिरने पड़ने वाला इंसान हूँ। तो नाइट का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पर लेक साइड पर, ये देखिए। तो यहाँ की नाइट लाइफ ना सच में बहुत ही मज़ेदार है। मैं पर्सनली
अभी तक मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी नाइट लाइफ कहीं नहीं देखी, मतलब इंडिया में होता है गोवा वगैरह में इससे भी हाई लेवल का। बट फिलहाल हम यहाँ है यार पोखरा में, तो मेरे लिए न्यू है, बिल्कुल न्यू है। एक गांव वाले लड़के को इतना कुछ देखने को मिल जाए और क्या चाहिए। अभी हम लोग जिस जाइंट व्हील पे जाके हैं वो अभी देखो, यहाँ से व्यू देखिए, यहाँ की नाइट लाइफ है ना सच में बड़ी शानदार है। वहाँ से हमारे होटल रूम से स्टार्टिंग होता है और एंड तक भाई फुल लाइट्स वगैरह और इतने पब क्लब रेस्टोरेंट सब कुछ है। जो लोग चिलविल करने आ रहे हैं ना तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर जो भी आपको चीज़ चाहिए वो कॉस्टली मिलेगी सब की सब। तो इंडिया के कंपैरिजन में जो लोग कहते हैं कि नेपाल सस्ता है, तो सस्ता कहीं से नहीं है। नाइट लाइफ में लाइट चली गई है और यहाँ पर फ़ोन की फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, तो नाइट लाइफ में ऐसा है कि अगर लाइट चली गई तो आपकी नाइट लाइफ गई भैंस पानी में कहने वाली है बात है। मैं कुछ खाना है तो यहाँ जॉइस रेस्टोरेंट लेक साइड पे ही है, थोड़ा कॉस्टली होगा हमारे लिए। इनका एक खास चीज़ अच्छी ये है कि इनका जो रेट लिस्ट है वो बाहर की तरफ ही होती है, तो ऊपर जाके मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं और ऊपर जाके कुछ ना कुछ तो खाएंगे। यहाँ से लेक व्यू सच में बहुत प्यारा आ रहा है। भाई इंडियन में क्या है, इंडियन फूड नेपाल में जो फूड भी है जो इंडिया से कभी हुआ है, दाल भात है इधर का और कुछ तो नहीं। दाल भात तो हम खा खा के पक गए हैं, कुछ और बताइए। इंडिया से आए हुए तो फिर इंडियन ही मत फूड है ना। तो ये बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट फाइल दे दी इन्होंने। जॉइस जॉइस वैसे मैं हॉस्टल में रुका था जयपुर, वही जॉइस था। हाँ तो हमारे भैया बताएंगे क्या कुछ खाना है क्या कुछ नहीं। दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग खाएंगे। क्या खाएंगे? हम इसराइली खाएंगे। इसराइली इंडियन फूड खाया, नेपाली फूड खाया, चाइनीज भी खाया, आज भाई इसराइली फूड खिला रहे हैं। तो इसमें आता है फलाफल, जो होता है इंडिया के वड़ा जैसा। ओके, नॉट मेदू वड़ा बट अदर काइंड ऑफ वड़ा। हमस आता है जो चिकपी से बनता है, चिकपी का पेस्ट होता है ऑलिव ऑयल के साथ। पीटा ब्रेड होता है, इसराइल का रोटी है वो, इसराइल का रोटी। हाँ, और चिप्स और सलाद। और इसका है 390 नेपाली रुपीस, 390। तो ये इंडिया में हुआ 240 अराउंड, तो ठीक ठाक है। 240 में इजरायली फूड खाने को मिल रहा है, खा लेते हैं, बाद में कभी खाने को मिले या ना मिले आज ही खा लेते हैं। तो ये हमारा फूड आ चुका है, थैंक यू वेरी मच भैया। बस खाने में अच्छा होना चाहिए, दिल खुश करने वाला। आप स्टार्ट करो, हम आपको देखेंगे फिर हम खाएंगे। वेरी गुड, फिर सैलेड ठीक है। वो कैसा है? ये मेरा फेवरेट है। ये फेवरेट आपका? अब इनको कौन समझाए कि हम दाल रोटी खाने वाले हैं। तो फिलहाल ये हमने इंडियन रोटी तोड़ी, फिर इसमें डिप करना है। ये हमने इसमें डिप किया, फिर इसमें थोड़ा सैलेड मिक्स किया और फिर भैया कैसा लग रहा है आपके खाना? भैया सच में बताऊँ बहुत अच्छा लगा, और हमें वैसे लेक साइड पे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा, 400 रुपये में एक अलग डिश अलग कंट्री। दिल से थैंक यू, इतना अच्छा और प्यार से सर्व करने के लिए। जब आप लोग खाना खा के आपका चेहरा हसीला देखता है ना, मुझे इतना खुश होता है ना, पूछो मत यार। फिर भी अब जब पोखरा में आएंगे तो हमें याद करना जरूर, क्या पता कल सुबह कर ले। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, ये आ मेरे आ। तो यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा है। चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ।
तो बहुत मजे है, खास करके लाइव म्यूजिक नाइट के अंदर। तो देखिए अभी यहाँ पर क्लोजिंग टाइम हो चुका है, तो हम लोग बस अपने रूम की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोग सो यहाँ पर भी लाइव म्यूजिक चल रहा है। यार हमारे गाँव में लाइव म्यूजिक चलता है ना, तो भाई कोई पन्नाराम धनाराम सब तरह के लोग होंगे, और यहाँ पर गिटार प्ले हो रहा है तो वहाँ पर डफली प्ले होगी। तो ये कुछ फ़र्क है गांव में और शहरों में। तो हमारी नाइट लाइफ की फिर बत्ती गुल हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे होटल रूम की ओर। सो आज का वीडियो व्लॉग हम यहीं कंप्लीट करते हैं एक भूतिया नाइट की तरह। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो व्लॉग के साथ, कोई नए लोकेशन के साथ, क्या पता कहाँ होंगे हम कल।